वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर एक सूफी संतों का शहर और ऐतिहासिक ये शहर। अब तो यहां पर बहुत सारे लोगों का यही कहना है सूफी संतों का शहर एक शांति और उमंग का शहर ये विजयपुर शहर। और इसी शहर में ऐतिहासिक श्री सिद्धेश्वर एक मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर यहां पर हर साल इतना धूमधाम से बनाया जाता है ताकि मकर संक्रांति आते जाते लोग तो नहीं पूरे आसपास के यहाँ के गांव शहर के लोग यहाँ पर जो भी देखने और यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो कुछ निराला ही रहता है। यहाँ पर कई साल भर से जो यहाँ पर मेला लगता है उस मेले के लिए कुछ अधिकारी बहुत सारे इसमें शामिल है ताकि इसलिए यहाँ पर परमिशन की बहुत जरूरी है। हर चीज को, कोई भी त्योहार को या कोई भी कुछ करने के लिए परमिशन की बहुत जरूरी होती है ताकि यहाँ पर परमिशन तो और बात है, यहाँ पर अधिकारी आते भी नहीं और जाते भी नहीं और यहाँ पर कुछ परमिशन कागजात का कानून बिल्कुल ही नहीं चलता। सिर्फ यहाँ पर नोट चलता है, सिर्फ अधिकारियों को नोट दे दिए बस विजयपुर शहर में कुछ भी करो। यहाँ पर अधिकारियों का कानून कुछ अलग ही है, यहाँ पर इन पर चलता है कानून, निरअपराधी निर्देश, यहाँ पर ऐसे पर जुल्म और कानून के पाबंदी लगा जाते हैं। अधिकारी जहां पर गैर कानूनी धंधे होते हैं और वहां पर कुछ कानून की पाबंदी यहाँ पर अधिकारी बिल्कुल ही नहीं लगाते। तो उसी तरह हमें किसी हिंदू मुसलमान के त्योहार से नहीं लेना देना है, हम सिर्फ उनसे लेना देना है जो गैर कानूनी धंधों के साथ अधिकारी मिले जुले होते हैं। हम उनसे लेना देना है, उन जो गैर कानूनी धंधे करते हैं छोटे मोटे गुंडों को लेकर हम उनसे लेना देना है। लेना देना इसलिए होता है सारे समाज और सारे जनता को, ताकि मीडिया इसलिए है ताकि क्या चलता है क्या नहीं चलता है ये बताने के लिए मीडिया होता है। वास्तव न्यूज के ग्राउंड रिपोर्टर पर हमने आज से नहीं कई सालों से ये सर्च में है ताकि कहां पर भी त्योहार में अगर झूले लगाते हैं मेला लगाते हैं बिल्कुल ही वहां पर परमिशन नहीं होता, ताकि इसलिए अधिकारी इसमें शामिल है, कुछ लीडर्स शामिल है, लाखों से पैसा मंत्रियां दे देते हैं ताकि इसमें लीडर खामोश रहते हैं। अगर कुछ लोगों को अगर पैसा ना मिलने पर ताकि वहां पर रुकावट लाते हैं, उनको भी इन झूले वाले जो एजेंट है जो दलाल है उनमें भी इसमें शामिल होकर वहां वहां पर अपने आपस में रफा दफा कर देते हैं ताकि कुछ भी किसको भी फर्क ना पड़े। तो इसलिए हमें किसी से फर्क पड़ना ना पड़ना हमें तो किसी से लेना देना नहीं है। यहां पर परिवार आता है, छोटे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, मेले में हर कोई छोटे से बड़ा तक झूम उठता है, खुशियों से आते हैं। वहां पर अगर कुछ हादसा हो गया तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है? अधिकारी ही जिम्मेदार हो सकते हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं, फायर फिल्टर अधिकारी है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, तहसीलदार है, डीसी है, संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारी है, यहां पर बिल्कुल ही परमिशन के कागजात इनको कानून ही इस पर नहीं लागू है, ताकि बस पैसे देने से शायद इनको कोई कागजात की जरूरत नहीं, कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। बात यह रह गई है विजयपुर शहर एक काला धंधा शहर बन गया है और कुछ भी नहीं। अब तो सरकारी चावल का भी यहां पर जोर से चलता है धंधा, वहां पर भी पाबंदी नहीं, क्योंकि जहां पर पैसा पहुंचना है वहां पर पहुंच जाता है वक्त पर, यहां पर कोई भी पाबंदी नहीं हो सकता। गली गली में चावल के जो काला धंधा चलता है सरकारी, इस पर ना जाने कहीं लोग करोड़पति बन गए हैं, वहां पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, मटका धंधा खुलेआम चलता है गली गली में, यहां वहां चौराहे पर, यहां पर भी मटका धंधे वालों पर अब तो इतना खुला हो गया है ताकि जो मुट गए हैं ताकि मटके धंधे वालों से और जो मटका खेलते हैं उनसे कहीं घर बर्बाद हो चुके हैं, कहीं घर तो बेकार हो चुके हैं, मगर छोटे मोटे धंधेदार जो है जो मजदूरी करते हैं
पूरा मटके के धंधों पर पैसा ही लगाए रहते हैं, यहां पर भी कुछ पाबंदी नहीं है। ये विजयपुर शहर की क्राइम रिपोर्टर है। अब तो दूसरी बात, जहाज का गैर कानूनी धंधा जगह जगह पर खुले आम दुकान खोलकर बैठ गए हैं, ताकि पंप में उतना नहीं हो सकता, उतना पंपों का इतना खुल चुका है, इतना ही फर्क है, इस पर कोई नाम नहीं है, मगर सिर्फ गैर कानूनी धंधा खुले आम सड़कों पर चल रहा है, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है, ताकि इसलिए जहां पर पहुंचना है नोट महीना महीना जो मंथली पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद किसी अधिकारी आकर कुछ भी यहां पर तहकीकत इंक्वायरी लाइसेंस ये नहीं पूछ पाते। उनको लाइसेंस पूछ पाते हैं जो टू व्हीलर लेके घूमते हैं, फोर व्हीलर यानी कि टैक्स भी सब भरते हुए भी सबको इनको कानून लागू है। जो यहां पर जो गाड़ियां मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं हर जगह पर चेक करते हैं ताकि है या नहीं, वहां पर चैनल फट जाता है, 500 से 1000 रुपया चैनल फटता है। अगर कुछ सिग्नल भी अगर पार कर दिए तो गलत है, मगर वहां पर चैनल फटता है। मगर गैर कानूनी धंधों पर यहां पर कोई भी दंड नहीं, ना एफआईआर, ना तहकीकत, ना कुछ भी नहीं है। हमने भी लेटर तो संबंधित अधिकारियों को तो पूछ चुके हैं, मगर इसके ऊपर हमने कानून कार्रवाई हम वास्तव रूप से ही इन पर शुरू करेंगे, ताकि कौन सच्चा कौन झूठा कौन गैर कानूनी धंधा है हम उसका खुलासा जरूर करेंगे। अब तो विजयपुर के मकर संक्रांति में इस बार झूला इस तरह लग चुका है, यहां पर मेला लग चुका है, ये परमिशन है या नहीं, और यहां पर जो एक व्यक्ति को 100 रुपया टिकट लेते हैं और ना जाने एक बार ऐसा आ गया तो झूम उठकर तो कितना पैसा हो जाता है और ना जाने कितने हजारों लाखों का मंथली पहुंचता है, इसलिए ताकि एक व्यक्ति को 100 रुपया टिकट है, ना जाने अब एक परिवार वाले 4 से 5 से 10 लोग तो आराम से जाते हैं, मगर सोचो इस गैर कानूनी धंधे में कितना पैसा है। और यहां पर यह भी अधिकारी नहीं पूछते इंश्योरेंस है या नहीं, इसका टैक्स भर दे नहीं, या जीएसटी देते हैं नहीं, या सरकार को इसका पैसा जीएसटी टैक्स इनकम टैक्स या कुछ भी हो ये पहुंचता है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मगर सिर्फ इतना चलता है जब अपना पैसा से जेब भर देते हैं तो कुछ भी करो। उसी तरह यहां पर हर साल की तरह इस साल भी यहां पर मेला लग चुका है, परमिशन है या नहीं ये अधिकारियों का पूछना उनका कर्तव्य होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। विजयपुर शहर एक काला धंधा शहर बन गया है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।